एक रोजा सेमिनार गैर सरकारी समाजी तंजीम खैरपुर यू टैलेंट और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के तआवुन से सचल लाइब्रेरी कॉर्नर खैरपुर में मुनक्कद किया गया। तालीम खासा करें इनकार न करें तो उन तरकी जो जरिए क्या कि औरतों को एम्पावरमेंट देनी चाहिए, उनकी जो सोसाइटी में प्लेस है वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और जो हमारी हुकूमत है या जो पीटीआई की हुकूमत आई है वो काम कर रही है औरतों को हमारी सोसाइटी में जगह देने के लिए और वो रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। और हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान, हम पुर उम्मीद हैं उनकी तरफ से कि वो इस दौर में हमारी औरतों को कुछ आगे उनकी प्लेस देंगे, उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएंगे। यहाँ मैंने सेमिनार अटेंड किया तो यहाँ एडवोकेट्स भी बहुत आई हुई थी और सर भी बहुत सारे आए हुए थे। उन लोगों ने आपस में डिस्कशन की कि भाई औरतों को आजकल हक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, लेकिन ज़्यादातर ये बात सामने आई कि आजकल जो है वो जेंडर इक्वलिटी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पहले होता था कि भाई औरतों को इतने हक नहीं मिल रहे, हकूक नहीं मिल रहे, लेकिन अब मिल रहे हैं। तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और मेरी यही उम्मीद है कि ऐसे सेमिनार्स बिल्कुल होते रहें ताकि और अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा कि वाकई जो औरतों औरत की क्या अहमियत है। और गवर्नमेंट को आजकल आई थिंक गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है क्योंकि पहले जो औरतें थी उनको इतने हकूक नहीं मिलते थे, अब बहुत मिल रहे हैं। और भी मेरी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इस पर काम करे। आज जो प्रोग्राम था लिंकन कॉर्नर में एयरपोर्ट टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया था, हमारे माशरे में औरत का मकाम और उसके लिए रोजगार के मौके, ये टॉपिक बहुत वसी है जिसके मतलब हमने मतलब इसकी जरूरत समझी कि इसकी अवेयरनेस नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान में जो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी मतलब बिहार पर रहती है 70% और हमारे पास औरतों का जो लिटरेसी रेट है 48%, ये बहुत ही कम है। मतलब इसके लिए हमें अवेयरनेस करने के लिए जॉब तो है लेकिन हमारे पास गर्ल्स के लिए गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, इस वजह से मतलब ये यह ताकि मतलब उनको अवेयर किया जाए और उनके लिए कहें कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको हम शो करें इस मीडिया के ज़रिए ताकि मतलब वो आगे आए और जॉब हासिल करें। और क्योंकि हम इस कोटेशन पे यकीन करते हैं कि एक पढ़ी लिखी माँ पढ़ी लिखी कौम दे सकती है, तो इसीलिए मतलब हम माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा तो गर्ल्स जो है ना बाहर नहीं निकल सकती, स्कूल कॉलेज बहुत दूर है जिस वजह से गर्ल्स जो है ना एजुकेशन हासिल नहीं कर रही। यही मतलब हाई स्कूल में कुछ ऐसे भी गाँव है जहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल बहुत दूर है तो वालदेन अपने बच्चों को गर्ल्स हाई स्कूल कॉलेज नहीं, इस वजह से अगर वो कॉलेज वगैरह गवर्नमेंट इंश्योर कर रहे तो इस वजह से ताकि तालीम यकीन हो जाए गर्ल्स की, तो ये मतलब पूरा और ये जो लिंकन कॉर्नर है ये यूएस जनरल कराची काउंसलेट जनरल कराची के कोलाब्रेशन से और कल्चर डिपार्टमेंट के कोलाब्रेशन से ओपन हुआ है। और यहाँ पर जो भी मोस्टली अवेयरनेस सेशन होते हैं जिसकी रेलिवेंस तमाम तो यहाँ पर जो भी अवेयरनेस सेशन हो रहे हैं वो जैसे कि आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेशन हुआ वुमेन एम्पावरमेंट के क्या जॉब्स हो सकती है वुमेन्स के लिए, जिसमें ओकला ने और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, हेल्थ डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, प्रिंट मीडिया से, जर्नलिस्ट और हालत सुहाग जो कि यहाँ पर गवर्नर के फ्रेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कह सकती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा तआवुन किया है ऐसा अरेंज कराने में। आज भी जो टैलेंट आर्ट जो आपने आज देखा बहुत से लोगों ने, बहुत से रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ ने यहाँ पर मेरे को शिरकत की और इसके अलावा वुमेन ने यहाँ पर बहुत अच्छी डिबेट की। मैं चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ऐसे कॉर्नर्स होने चाहिए जहाँ पर तलबा के लिए स्कॉलरशिप के प्रोग्राम होने चाहिए और जो कि लिंकन कॉर्नर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर जितनी भी यूएस की स्कॉलरशिप्स आती हैं उसके लिए हम अवेयरनेस देते हैं, स्टूडेंट्स कॉलेज में जाते हैं स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देते हैं कि भाई आएँ आप कॉर्नर को ज्वाइन करें, यहाँ वो उनकी क्राइटेरिया पर पूरी आएंगे। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान हमारे इंटीरियर से स्टूडेंट्स भी, लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट भी इसके साथ साथ नहीं है। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे ऐसे लिंकन कॉर्नर जैसे इदारों के साथ सपोर्ट करे तो मैं समझती हूँ कि हमारे कोने कोने में हमारा कोई भी बच्चा जो है नहीं आएगा और कोने कोने तक हमारी तालीम जाएगी और जिससे गवर्नमेंट आएगी स्पेशली। मेरा नाम सेशन है बहुत ज़बरदस्त है
हैं डेली बेस पे वुमेंस वुमेंस एक जो लड़की डेली आउटब्रेक करती है उसको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस हवाले से हमें नेक्स्ट एक टॉपिक रखा है जिस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद रूरल जो एरिया है उसमें एक सेशन रखेंगे, हर एरिया में हर विलेज में सेशन रखेंगे जिसमें जिसमें हम देखते हैं क्या बहुत अच्छी अवेयरनेस सीखी, बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए मतलब जिसमें अवेयरनेस में मेल हजरात को भी जिनको गलत फहमियाँ हैं कुछ कि ऐसे वैसे मतलब एक्स वाई जेड में बयान नहीं करना चाहती, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा सेशन ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए मीडिया का। इस तरह के सेमिनार होने चाहिए ताकि जो वुमेन के एम्पावरमेंट के मसाइल हैं वो हल हो सकें और डिस्कस हों क्या उसमें बैरियर्स हैं या क्या मसले हैं। पावर है और हमें भी कोशिश करनी चाहिए जो इसमें बहुत हम क्या ज़्यादा कर सकती है आप मीडिया के थ्रू के ऐसे और ऐसे प्रोग्राम को आप कवरेज गवर्नमेंट में उसमें मैसेज आएगा कि आप लोग इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकते हैं, औरतें इसमें ज़्यादा आ सकती है, ऐसे सेमिनार होने चाहिए गवर्नमेंट से कि वो वुमेन डेवलपमेंट पे काम करें। और इसमें बहुत सारे इशूज़ हैं जिसमें कानून तो बनाए गए हैं लेकिन अमल दरामद नहीं, उन पर अमल दरामद नहीं। उनका कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को औरतों के हवाले से कानून साजी की जाए और औरतों को माशरे में इज्जत दी जाए। ये सेमिनार खैरपुर यूथ टैलेंट की जानिब से कराया गया बिनकन कानून खैरपुर में। कैमरामैन सदाम नारे जो के साथ इमरान अली राजपर सखर।